हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हम अमेज़न FBA कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, हम कौन कौन से मुल्क से बैठ के कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं कमेंट्स ओपन छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी अकाउंट आपको व्हाट्सएप का नंबर देता है, वो अकाउंट हमेशा मेरे ही नाम से बना होता है, मेरा ही प्रोफाइल पिक्चर होता है। ये स्कैमर लोग होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी फॉलोअर स्कैम का शिकार हो। ये आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे के जैसे ही आप व्हाट्सएप पे कर देते हो, आपका डेटा चुरा लेता है। टू डेंजरस। आप सोचोगे कि ये शाहिद भाई है, लेकिन नहीं, ये मैं नहीं हूँ। आप जब भी उनके प्रोफाइल पे ओपन करेंगे, उनके पास वो डिफरेंट अकाउंट होता है, ओनली नाम और पिक्चर रखते हैं ताकि कोई बेवकूफ बने। सो मेक श्योर कमेंट्स में ओपन छोड़ो, और ये मैं हर वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोग स्कैम से बचो। अगर कोई भी आपको जो है कमेंट रिप्लाई में नंबर छोड़े, आपने उसे जवाब नहीं देना, वो स्कैम होता है। ओके, वीडियो शुरू करते हैं कि अमेज़न FBA क्या है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में क्या होता है कि अमेज़न के वेयरहाउस पूरी दुनिया में है। अब सेलर का क्या करना है, सेलर ने सेलर सेंट्रल पे अप्लाई करना है, साइन अप करना है। अब बात यह अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम किसी भी मुल्क से बैठ के अमेजॉन पे चीजें सेल कर सकते हैं। हाँ, तो ये अमेजॉन का जो है सेलर सेंट्रल का आर्टिकल है। आप ये अमेरिका का आर्टिकल है, आप ऑस्ट्रेलिया का, पूरी दुनिया के आर्टिकल आप देख सकते हो। सो अब इस आर्टिकल का क्या मतलब है, अगर इस आर्टिकल में आपका मुल्क है, अगर आपका उस मुल्क का पासपोर्ट है आपके पास या आईडी कार्ड है, तो आप पूरी दुनिया में अमेज़न पे चीजें सेल कर सकते हो। आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की आपकी जरूरत नहीं, ना किसी ट्रेड लाइसेंस की, आप सेल कर सकते हो। अगर आप अफगानिस्तान के हो, आप सेल कर सकते हो, इंडिया के हो, नेपाल के हो, जिस भी मुल्क में हो। अब लेट्स से कि आप पाकिस्तानी हो, आप यूरोप में रहते हो, आपके पास यूरोप के कागजात नहीं, क्या आप अमेरिका में सेल कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, एज लॉन्ग एज इस आर्टिकल में आप हो, किसी भी मुल्क से आप अपने पासपोर्ट को यूज करके या उस मुल्क में या दूसरे मुल्क में आप चीजें सेल कर सकते हो। रिमेम्बर, इस बिजनेस के लिए ना लाइसेंस चाहिए, इस बिजनेस के लिए ना हुकूमत से परमिशन चाहिए। ये ई कॉमर्स है, अमेजॉन के अपने आर्टिकल्स है, अपने रूल्स है। किसी भी मुल्क में जाता है तो हर एक मुल्क को ये रूल्स फॉलो करने होंगे। ये नहीं कि ये सऊदी है, ये दुबई का है, सिर्फ दुबई वाला इसमें सेल कर सकता है। नो, इसमें ये सीन नहीं है, विच इज प्रीटी गुड। सो सबसे पहले आपका क्या होगा, मोस्टली हर एक मुल्क है, सो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। अब आपका दूसरा स्टेप क्या है कि आपने सेलर सेंट्रल पे आप जैसी ही वेरीफाई हो जाओ, आपको अमेजॉन को प्रोडक्ट सेल करना होगा, राइट, सेंड करना होगा वेयर हाउस से। अभी आप लेट्स से कि आप इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बैठे हो और आप अमेरिका को, अमेरिका के फुलफिलमेंट सेंटर पे माल सेंड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट हंटिंग होगी। इस कारोबार को शुरू करने से पहले आप इसको समझो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैंने कोर्स बनाया है 7 आवर्स का, 7 घंटों का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। वो कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट करो, आप एक प्रोफेशनल सेलर बन जाओगे। आपको पता होगा कि आपने क्या सेल करना है, क्या नहीं करना। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है डेमो मिले, आप लोगों को बिजनेस मॉडल पता चले। सो अगर आपको अमेज़न में इंटरेस्ट है, उस कोर्स में मैंने ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी दिया है, उस कोर्स में मैंने ट्रेडिंग का कोर्स भी दिया है, अमेज़न FBA भी है, FBM भी है। सो एक कंप्लीट कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस है, रिकॉर्डेड कोर्स है। जैसे ही आप उसमें खुद को इनरोल करें, तो आप जिंदगी में एनी टाइम जाके लॉग इन कर सकते हो, कोई भी मसला है आप लेसन देख सकते हो। सो अमेज़न FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है। सेलर करता क्या है कि सामान को लेके अमेज़न के वेयरहाउस, DHL या जो भी फेडेक्स है, अलीबाबा से या किसी भी सोर्स से लेके आप अमेज़न के सेलर सेंटर, फुलफिलमेंट सेंटर, वो माल आएगा। अब अमेज़न, ये आपकी जिम्मेदारी इस जगह पे खत्म हुई। आपकी क्या जिम्मेदारी थी, आपने लिस्टिंग की, ठीक है, लेट्स से ये कॉफी स्कूप है, सेलर सेंट्रल पे आपने लिस्टिंग की, यहाँ पर लिस्टिंग होती है, कोर्स में सब कुछ है, आपको वहां से पता चलेगा। सो आपने सबसे पहले लिस्टिंग की, इस प्रोडक्ट को आपने अलीबाबा से सोर्स किया, ये प्रोडक्ट अलीबाबा पे कितने का है, 85 सेंट का है,
तो मान लो 20 सेंट शिपिंग का हुआ, मतलब मान लो कि आपको $1 का पूरा शिपिंग के साथ पड़ रहा है। अमेजॉन पे कितने का सेल होता है ये? $8.75 का, तो अच्छा मार्जिन है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा अमेजॉन आपसे लेगा रेफरल फी 99 सेंट और FBA का फी जो है $1.60। तो अमेजॉन इस पे $2-3 अमेजॉन ले लेगा और $1 जो है आपका आपका जो है प्रोडक्ट इन शिपिंग कॉस्ट एवरीथिंग। तो आपको आराम से जो है $4-5 मुनाफा आपको आराम से मिल सकता है। आप इस प्रोडक्ट को आप ऑस्ट्रेलिया में भी सेल कर सकते हो, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लिस्टिंग आप कर सकते हैं। अब इसे सेंड करना बहुत ही आसान है। जैसे ही आप लिस्टिंग करो, सप्लायर को आप लेबल सेंड करोगे, सप्लायर को बॉक्स आइडेंटिटी सेंड करोगे, सप्लायर वो सामान अमेजोन के वेयर हाउस पे सेंड कर देगा। तो जैसे ही सामान अमेजोन के वेयर हाउस पे सेंड हो मिल जाए, आपको ईमेल आ जाएगा अमेजोन की तरफ से कि हमें आपका सामान मिल गया। अब होता क्या है कि कस्टमर जैसे ही आपका सामान बाय करेगा, अमेजॉन उनको शिप करेगा, अमेजॉन पैक करेगा, सब कुछ अमेजॉन चेक केयर करेगा और आपको जो आपका अमाउंट है अमेजॉन एवरी सिंगल वीक आपको जो है पैसे आपको आपके मुल्क में डिपॉजिट होंगे। बहुत ही स्मार्ट बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लाइक एक पैसिव इनकम है। अगर आपकी प्रोडक्ट सेलेक्शन अच्छा है और आपका जो है इसमें आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो सप्लायर से कह के आप अपना नाम भी, बट विच इज लाइक बहुत ज्यादा काम है अगर आपने करना है। बट अगर आपने अमेजन एफ बी ए शुरू करना है, अमेजन एफ बी के लिए एफ बी ए के लिए आप $700 से शुरू कर सकते हैं। कितने डॉलर से? $700 से। कोई लाखों नहीं चाहिए, एक ही प्रोडक्ट से शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता वो सेल होता है, अपनी लिस्टिंग बढ़ाते जाओ। अब अमेजोन में दूसरा एक प्लेटफॉर्म है Amazon FBM जिसे कहते हैं। Amazon FBM किसे कहते हैं? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है कि सामान आप Amazon के वेयरहाउस पे सेंड नहीं करोगे, सामान तो या आपके पास घर पे होगा या बाय मत करो। जब भी आपको ऑर्डर आता है आप जाके सामान बाय करके पैक करके कस्टमर को शिप करो मुनाफे पे। बट FBM में इतना मार्जिन नहीं पड़ता, FBA में बहुत मार्जिन है, बहुत ज्यादा कामयाबी है क्योंकि सब कुछ अमेजोन करता है और मिलियंस ऑफ कस्टमर। लेट्स से आप पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, दुबई, किसी भी मुल्क से बैठे हो, आपका एक स्टोर ऑस्ट्रेलिया में है, आपका एक स्टोर अमेरिका में है, आपका एक स्टोर कनाडा में है, आपके अच्छे प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सो के आप पैसा बनाओगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अमेजॉन करेगा, अमेजॉन के अपने वर्कर्स है, अपने डिलीवरी सिस्टम है, विच इज रियली गुड। सो इस कारोबार को समझने के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले खुद को सेल्फ एजुकेट करो, लर्न करो, बाद में अर्न करो। तो अगर आप लोगों को किसी भी इंसान के साथ 8-9 महीने कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको 7-8 महीने कोर्स करा देते हैं फिर कहते हैं कि 20-25 लाख चाहिए। नो, कोर्स में नीचे लिंक डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके खुद को इनरोल करो, सेल्फ एजुकेट करो। मैं खुद भी ये बिजनेस करता हूँ, बहुत ही अच्छा मॉडल है। अगर आपकी लिस्टिंग 200 यूनिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कंफर्म है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो एक स्टोर से आपको $1,000-2,000 इजी एवरी डे आएंगे। तो इससे और अच्छी बात क्या है कि आप अपने ही प्रोडक्ट से, अगर आप में सलाहियत है खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो, मोमबत्ती बना के सेल करो, कुछ भी कपड़े वगैरह अमेजोन पे आप सब कुछ सेल कर सकते। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेट्स से कि मैं अमेजॉन, ये एक अमेजॉन का कस्टमर ऐप है, लेट्स से कि मुझे कप चाहिए, तो कोई भी चीज, अगर कोई भी बंदा कोई भी चीज सर्च करता है तो अमेजॉन पे आ जाता है और लोग बाय करते हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि अमेजॉन पे हर दिन $300 मिलियन का सेल होता है। अमेजॉन का प्राइम यूजर जो है 100 मिलियन है और बाकी जो कस्टमर, मतलब आधी दुनिया जो है अमेजोन से चीजें परचेस कर रही है। दुनिया का 50% प्रोडक्ट जो है आजकल अमेजोन पे सेल हो रहा है और ये बहुत ही बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को डेफिनेटली इस पे सेल करना चाहिए, बजाय किसी और के साथ काम करना है। अगर पैसे नहीं, FBM करो दुबई में, सऊदी में, लेकिन FBM पाकिस्तान अफगानिस्तान से इसलिए हार्ड हो जाएगा क्योंकि आपको फिर इंटरनेशनल शिपिंग करनी पड़ेगी, विच इज वेरी बैड। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप पाकिस्तान अफगानिस्तान से आप FBM करो। अगर आप इंडिया में हो आप FBM कर सकते हो क्योंकि इंडिया में अपना अमेजॉन है, लोकल लोग परचेस करते हैं, विच इज गुड। सो
अगर आप पाकिस्तान से इंडिया में अमेजॉन एफ बी एम करते हो, अच्छी बात है अगर शिपिंग आपको, लेकिन अगर एफ बी एम आपको ज्यादा पड़ता है तो आप इंडिया में एफ बी आई भी कर सकते हो। तो अमेजॉन का प्लेटफॉर्म बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है, पहले खुद को जानो। एक साइन अप है, जैसे आप अपना फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, इसके लिए आपके साथ बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि आपका चार्ज मेथड एक्टिव हो और आपको पैसे आए। सो हमेशा इन चीजों में घुसने से पहले सेल्फ एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ एजुकेट ना हो, लर्न नहीं करते, अर्न नहीं करोगे। सो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके चेकआउट करें। ये बहुत ही अच्छा एक स्मार्ट मूव है, एक स्मार्ट सिस्टम है। हर एक बंदे को इस पे चीजें सेल करना चाहिए। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस पे चीजें सेल करते हैं और पूरा ही नहीं होता, क्योंकि दुनिया को चीजें चाहिए, सप्लाई ऑन डिमांड है। हर एक सेलर आउट ऑफ स्टॉक जाता है, हर लोग। अब ये मत सोचो कि अगर हम सब सेल करेंगे, बाय कौन करेगा। हर एक इंसान की जो है जरूरियात है। ये नहीं कि मैं खाना पका रहा हूं तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाकी लोग। हर एक घर की अपनी अपनी एक जरूरत है। ये नहीं कि ये चीज मैं सेल कर रहा हूं तो मुझे जरूरत नहीं। मैं खुद भी अमेजोन से चीजें ऑर्डर करता हूँ, मैं अमेजोन पे सेल भी करता हूँ, मैं अमेजोन से ऑर्डर भी करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी खुद जरूरत है। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाए ताकि चैनल को हेल्प मिले। और अगर मेरी ये ओपिनियन है आप लोगों के साथ के इस नए जमाने से फायदा, एक ही कंप्यूटर है, बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, इसको समझे। अगर आपकी तालीम नहीं, इस ऐप को आप अपनी जुबान में करें, इस ऐप को आप उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, फारसी में करें। लाजमी बात नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हर आजकल हर एक ऐप, इवन पूरा कंप्यूटर, आप जाके सेटिंग में जाके लैंग्वेज अपना चेंज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड चेंज योर लैंग्वेज। अपना जो है एक सिस्टम चलाओ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इंसान को अल्लाह ने बहुत स्मार्ट माइंड दिया है। हर एक इंसान जो है चीजें सीख सकता है। आई बिलीव आप भी सीख सकते हो। सो अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्शन करो। लोग सेल करते हैं, मैं सेल करता हूँ, आप भी सेल करो। Amazon FBA शुरू करो, फुलफिलमेंट बाय Amazon, $700 खर्चा है इसका। प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका अच्छा है, हो सकता है पहले दिन ना चले, लेकिन दिल को बड़ा रखना चाहिए, होप, उम्मीद। अगर प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा है एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, अगर आपको Amazon FBA का मॉडल 100% पता है, जैसे अगर कोर्स के थ्रू आपने सीखा, टू बी ऑनेस्ट, सारी मेरी स्ट्रेटेजीज है जो मैं करता हूँ, एक रियल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज है, यू विल बी अ प्रो सेलर। थैंक यू सो मच।